ओ बंदिया गल्लां बड़ियां कर लईयां, बड़ा एक दूसरे दे गिरेबाना दे अंदर झांक लिया, बड़ा एक दूसरे दियां चुगलियां कर लईयां, बहुत एक दूसरे दियां गीबतां कर लईयां, बड़ा भैणा भिरावां दा हक खा गया। छड़ दिओ इन्हां बातां नूं, ना 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 कुरबानी दा दिन ना, अजे ईद उल अजहा दा दिहाड़ा, ईद उल अजहा दा दिन आ, अल्लाहु अकबर, इहदे अंदर असीं जानवर कुरबान करने ने, अल्लाह दी तौफीक नाल, अल्लाह दी रहमत नाल, अल्लाह दी नाल, अल्लाह सोने दे हुक्म ते ओदी मर्जी ओदे अमर दे मुताबिक जिन्ना जिहड़ा साहिबे इस्तेताअत सी जिहड़ा लै सकिया ओह कुरबानी करेगा। ना कुरबानी की है कि तू जानवर कुरबान करेगा, जानवर कुरबान करके बच्चे आखणगे कि अज ते साडे घरें गोश्त आएगा, अज कबाब बणनगे, फलां फलां डिशिज बणनगियां, ना फलां फलां चीज़ां बणनगियां घर दे अंदर। अगर घर दे अंदर तू अपने बच्चियां नूं सिर्फ और सिर्फ इहो बात सिखाई है, अगर उहनां नूं सिर्फ इस बात पता है कि नाल वालिया नूं आखना कि साडा मेंढा वेखो, साडा बेड़ा वेखो, साडा जानवर वेखो, साडा ऊंट वेखो, केड़ा तगड़ा है, केड़ा सोना लै करके आंदा। फलां जगह ते वेख्या जी, एक बंदा ते अपने घर दे बाहर 10 दिन पहले वड्डे वड्डे जानवर लिया के बन देंदा है ना जी, नुमाइश तक लगाई जाती है, वेखो ना जी मैं सब तो बड़ी कुरबानी कर रहा ना जी, वेखो ना जी मैं एवें दा, वेखो ना जी मैं एवें दा। ओ अल्लाह दे बंदिया तू कुरबान की कीता, तेरी तना उत्थे ही है, तू कुरबान की कीता, अल्लाहु अकबर, तू कुरबान की कीता, तू नहीं जानदा कुरबानी की है, कुरबानी कितों शुरू हुई, कुरबानी दी इब्तिदा की है, कुरबानी आदे किलों ने ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, रब दा कुरान पढ़ता जावा ते झड़ियां लांदा जावा। अल्लाह करीम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, इम्तिहाना वाले पैगंबर अलैहिस्सलाम जिन्ना ते इम्तिहान आए, हर इम्तिहान विचों 100 बटा 100 नंबर लेंदे पास होंदे चले जांदे ने ना। उम्र बीत गई, 80 सालां तो उम्र क्रास कर गई, अल्लाह को दुआवां करदे ने, रब्बी हबली, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, मैंने मेरे हजरतुल अमीर हजरत उस्ताद हजरत हाफिज मोहम्मद यहिया अजीज मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह दे वली सन, अल्लाह जी मेरे उस्तादां दी कबर नूं जन्नत दा बाग बना दे। हजरत जी फरमांदे, कहंदे ने जिहदे कोल औलाद नहीं है वो तशहुद दे अंदर नमाज अंदर आखर ते दुआ 3 वारी जरूर पढ़िया करे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह उन्हूं नरीना औलाद अता फरमा देणगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने भी मंगिया तेके दे कोलो, जद्दुल अंबिया पैगंबर केदे कोलो मंगदे ने, केदे कोलो, अल्लाह कोलो, ते मैं तू केदे कोलो मंगना है, अल्लाह कोलो मंगना है ना। 80 सालां तो बाद अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटा आ गया इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर। हुण जदों जवान होए ने ना, उन्हां दी जवानी नूं कुरान इंज बयान करदा है, फलम्मा बलग मऊ सया قال يا بني انني ارى في المنام। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे करके मैं कहना कि कुरान दा तर्जमा पढ़िया करो, ताकि बयान हो रहा होवे ते तुसी नाल नाल तुहानू समझाना ना पवे, तुसी पहुंच रहे हो उत्थे उत्थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत जब बेटे जवान होए ने ना, अल्लाह दी तरफों हुक्म आ गया, हजरत इब्राहिम फरमाते ने, मेरे सोने, मेरे छिंदे, मेरे लाडे, मेरे पुत्र, मैं की वेखना कि मैं ख्वाब अंदर तेनू वेखिया गए ना, कि मैं ते तेनू अली अजबाहू का फन जुर्मादा तरा, मैं तेनू अपने हत्था नाल जबा करदा पिया। नबी दा ख्वाब वही होया करदा है, नबी दा ख्वाब सच्चा होया करदा है, वही होया करदा है ना, यानी कि पुत्रा हुक्म आ गया है कि तेरी कुर्बानी अल्लाह ने मंग ली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुण बेटा की कहंदा है, एक नुक्ता समझावांगा, बेटा की कहंदा है, बेटा ओह कुछ कहंदा है जेड़ा कुछ हजरत इब्राहिम अपने बाबे आज़र नूं कहंदे सन, ओही कुछ ही बेटा कहंदा। कुरान ने ओह लफ्जां दा भी ख्याल रखिया। हाँ हाँ, आज़र कौन सन? नमरूद दी जड़ी आर्मी सी, ओदे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वालिद। मैं तफसीर अंदर पढ़िया है,
ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸਨ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਵੀ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਿਕ ਮਖਲੂਕ, ਖਾਲਿਕ ਖਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਮਖਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਖਲੂਕ ਖਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਖਾਲਿਕ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਲਾਨੇ ਤੋਹੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਾ ਅਰਜੁਮਨਕ ਵਹਜੁਰਨੀ ਮਲੀਆ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਬਤੀ, ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਬਤੀ, ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ 5-6 ਮਰਤਬਾ ਯਾ ਅਬਤੀ ਲਿਮਾ ਤਅਬੁਦੁ ਮਾ ਲਾ ਯਸਮਉ ਵਲਾ ਯੁਬਸਿਰੁ ਵਲਾ ਯੁਗਨੀ ਅਨਕਾ ਸ਼ਈਆ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਯਾ ਬਤੀ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਯਾ ਬਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਵਰੀਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਾਫਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਕਰ। ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਪ ਕਾਫਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਯਾ ਅਬਤੀ ਯਾ ਅਬਤੀ ਯਾ ਅਬਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਜ਼ਬਹੂ ਕਾ ਫਨਜ਼ੁਰ ਮਾਜ਼ਾ ਤਰਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਅਬਾਤਿਫ ਅਲਮਾਤ ਉਮਰ। ਯਾ ਅਬਾਤੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਉਸਲੂਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮਿੱਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਓਏ ਓਏ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਲ ਆਇਆ ਅਬਾ ਤਿਫਾਲ ਮਾ ਤੋ ਉਮਰ ਸਾਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਸਾਬਿਰੀ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਫਲੰਮਾ ਅਸਲਮਾ ਵਤੱਲਹੂ ਲਿਲਜਬੀਨ, ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਲ ਲਿਟਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਆਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਡੱਟਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਖੜੋਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇਹ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ, ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਫਿਦੀਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਵਫਾ ਦਈ ਨਾ ਹੋ ਬੇਜ਼ਬਹੇ ਨਾਜ਼ੀਮ। ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਅਮਲ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ,
मैं गोश्त फ्रीज करना है, डिशेस बनानिया ने, फुला फुला करना है, दिखावा करना है, रियाकारी करनी है। फुलाने आखन गए यार इन्होंने तो कुर्बानी कोई नहीं की थी। अगर इंज दा ख्याल है तो सुनिया ना कर, क्यों मुकाला मलना है। अगर एहो जिहा ज़हन है तो कभी भी कुर्बानी ना कर। हाँ कुर्बानी कर दिया होया ज़हन अंदर ख्याल होए अल्लाह जी ये जानवर कुर्बान करदा पिया वा, अल्लाह मेरे नबी दे सहाबा कुर्बानी वास्ते बड़िया तैयारियां फरमाते। मदीना पाक अंदर जानवरों अलहदा तो रखते, खूब खिलाते पिलाते, उन्हां नाल प्यार करते, उन्हां जानवरों नाल मुहब्बत फरमाते। अल्लाह हो अकबर, अल्लाह अल्लाह, उन्हां नाल उनस हो जाता, उन्हां नाल प्यार हो जाता, फिर उन्होंने कुर्बान कर दे। मेरिया तेरिया कुर्बानियां ते कादियां कुर्बानियां ने ना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। ज़हन अंदर ख्याल होए अल्लाह जी तेरे दीन वास्ते, तेरे दीन दी तौहीद वास्ते, आलाए कलिमतुल्लाह वास्ते, अल्लाह जी इस्लामी ममालक दी बका वास्ते, अल्लाह साडियां औलादां दे जाने, अल्लाह साडियां औलादां दियां जाना अगर देनियां पईयां, नजराने पेश करने पए, अल्लाह असीं एक मिनट भी दरेग नहीं करांगे, अपनियां औलादां भी एवें ही कुर्बान कर देंगे। सोशल मीडिया पे इस्लाम को कोई बदनाम नहीं करता, हम खुद करते हैं। जितनी फनी पोस्टेज बकरे के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, फ्रीजर के हवाले से, गोश्त के हवाले से, ये तमस्खर उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। जो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाता है अल्लाह उसको निशाने इबरत बनाते हैं। मैं आप कोई मर्जी हो मेरे भाइयों, कभी भी इस तरह की पोस्ट का हिस्सा ना बने। अगर कोई बंदा इस तरह की पोस्ट करता है उसकी मुजम्मत करें, उसको बार बार उसकी मुजम्मत करें कि भाई नहीं, शायर इस्लामी में से नमाज का, दीन का, कुर्बानी का, हज का, ज़कात का, जिहाद का, किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाया जाएगा नहीं। हम खुद शेयर करने वाले होते हैं, मजाक मजाक में शेयर कर रहे हैं, शायर अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे घरों में रहमतें क्यों नहीं आती, अल्लाह के अजाब आए हुए, हमारी हालत देख लें। अल्लाह हमें, अल्लाह हम तो रुकने वाले, हम तो झुकने वाले, अल्लाह हम हर रोज़ तुझसे मांगने वाले, अल्लाह हमें अपने दर का मोहताज रखना। हाथ उठा लें जी, दुआ कर लें। वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहुर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے مولا کریم، اے غفور الرحیم بادشاہ، اللہ پاک، اللہ جی، اللہ سونیا، اے میرے کریم اللہ، اے میرے ودود اللہ، اے میرے ارحم الراحمین اللہ، کافراں واسطے، مشرکاں واسطے، اہل بیت نبی دے صحابہ دے، اولیاء اللہ دے دشمنہ واسطے، جبار تے قہار اللہ، اللہ سی تیرے بندے ہیں تو ساڑے واسطے ارحم الراحمین اللہ، اللہ جی اللہ سی تیرے در تے آ گئے، اللہ سنت ابراہیمی نو، سنت محمدی نو زندہ کر دیا ہویا، اللہ اج ساڑا عید والا دہاڑا ہے، لیکن اللہ جی ساڑی عید کا دیجیے اسی تیرے اگے جھکے نا، اللہ ساڑی عید کا دیجیے اسی گناہ تو رکے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک ٹکڑے چبا رہے عید والے دن، کسے پوچھا کہ علی جی آج تے لوگ نویں نویں وانس پونے کھانے کھاندے نے تے تسی خشک ٹکڑے چبائی جا رہے ہو، پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رو کے فرمان لگے، عید عید تے اس بندے دی ہے جدہ گناہ نہ ہوئے، اسی تے گناہوں دے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ، کتنے اعلیٰ لوگ، اور کیسی پیاری سوچ رکھنے والے۔ اسی ایک دن نماز پڑھ لئیے، ساڈی او چھ مہینے نہیں جاندی۔ اللہ اللہ سونیا سانو گناواں کولو رکن دی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنے در تے جھکن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ قربانی ہوئے، اللہ او تبلیغ ہوئے، اللہ او نماز ہوئے، اللہ او کوئی بھی تیرے نبی دی، تیرے نبی دی سنت، تیرے نبی دی حدیث، تیرے نبی دا طریقہ ہوئے، اللہ
अल्लाह सुनिया अल्लाह सानू मेनवान उंजे उंजे अमल करन दी तौफीक अता फरमा जिवें आका ने सिखाया है। अल्लाह सानू दीन नू उवें मनने दी तौफीक अता फरमा जिवें आका ने दीन पढ़ाया ते सिखाया है। वह कुरान की शक्ल अंदर मौजूद, वह प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान की शक्ल अंदर, हदीस पाक की शक्ल अंदर दीन मौजूद है, मुकम्मल है। अल्लाह अल्लाह जी अल्लाह ये लोग आए, अल्लाह इन्हां दे दिलां दे अंदर बड़िया ख्वाहिशात ने, बड़िया नेक जायज़ हाजतां ने, अल्लाह सारियां दियां पूरियां फरमा दे। अल्लाह जी बड़िया बड़िया दुआवां ने दिलां दे अंदर, कोई औलाद मंगदा है अल्लाह को रिज़्क़ मंगदा है, अल्लाह को बेटी मंगदा है को बेटा मंगदा है, अल्लाह को कारोबार की वसअत मंगदा है, अल्लाह को इलम मंगदा है, अल्लाह को कहंदा कि मैनू को नौकरी अच्छी मिल जाए, अल्लाह कोई अल्लाह इन्हां दियां जिन्नियां भी जितनियां भी इन्हां दे दिलां दे अंदर नेक जायज़ हाजतां ते ख्वाहिशां ने अल्लाह सारियां दियां पूरियां फरमा। या अल्लाह सुनिया इन दिनों के अंदर बहुत साढ़े सारे प्यारे बड़े प्यारे फौत हो के तेरे को आए, अल्लाह जिहड़े पिछले साढ़े मेरे वड्डियां चों, मेरे दादा जान, मेरे नाना जान, मेरी नानियां दादियां, अल्लाह मेरे बड़ियां चों, अल्लाह और भी पूरे अजीज़ो अकरबा चों, ताज़ा तरीन मेरे मामू, दोनों मामू फौत होए, मामू का बेटा अब्दुल भाई अब्दुल करीम है, पिछले दिनों दो दिन पहले फौत हो गया, नेक आदमी सी, मवाहिद सी, तो इदबरत सी, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे, अल्लाह उसके दरजात बुलंद फरमा दे। साढ़े प्यारे वीर मुहम्मद अली भाई ऐसे साढ़े गुलशन हरम के कब्रस्तान अंदर मदफन ने, चंद दिन पहले की बात है, उन्होंने मिल के आया, बीमार बैठे सन ते दुआ करके आया, नबी पाक दी हदीस के मुताबिक दम किया, वापस आ गया। चंद दिन बाद अल्लाह ने उन्होंने अपने कोल बुला लिया। साड़ी इन्नी क्यों हसीयत है सुनियो, इन्नी क्यों औकात है, वह मिट्टी दियां ढेरियां वेख लो, तो या मैनू लिख के कोई दे जावे कि मैं नहीं कारी साहब मरना, गलत गल है तुहाडी, तुसीं गलत कहंदे पए हो, यह साड़ी औकात है, साड़ी हसीयत है। आने वाला वो टाइम जदों असी मनो मिट्टी हेठ आने वाले हाँ तो सारा कुछ ही निखर के सामने आ जाएगा। अल्लाह सानू माफ़ फरमा दे, अल्लाह किसी के दिल नू दुखाने की तौफीक ना दे, अल्लाह किसी नू किसी की चुगली करने की तौफीक ना दे, अल्लाह किसी की गीबत करने की तौफीक, अल्लाह अल्लाह जितने भी बद अमल ने, जिन्हें भी बुरे अमल ने अल्लाह साढ़े को कर दे, अल्लाह सानू पाक कर दे। अल्लाह जी अल्लाह अल्लाह ईद तो वो जिहड़ा पाक हो गया, अल्लाह सानू पाक फरमा दे। अल्लाह असी कुरबानियाँ तेरे रस्ते के अंदर करनिया ने, अल्लाह जी अल्लाह कुरबानियाँ साड़ियाँ कितों हो जाइया, कुरबानियाँ टुटिया पुटिया कुरबानियाँ, टुटे पुटिया नमाजा, टुटे फुटे अमल ने, अल्लाह जी इन्हों टुटिया पुटिया जोड़ तोड़ ला के तो तोड़ ही फरमा दे, अल्लाह अल्लाह इन्हों पूरे फरमा दे। अल्लाह साढ़े अमाले सालिहा कबूल फरमा, अल्लाह साढ़े अमल अमाले सालिहा के अंदर जिथे अल्लाह कजरवी है, अल्लाह कजरवी न दूर फरमा, अल्लाह उन्हें सोहना सुनखा बना के उस अमल न अपनी बारगाह के अंदर पहाड़ों की मनिंद सजा दे। अल्लाह जदों साड़िया अखा बंद होन तो साढ़े अमल सामने हो, अल्लाह सुनिया अल्लाह मैं एक दुआ तेरे को करना वा कि या अल्लाह साड़ी वजह तो साढ़े सोहने नबी नू शर्मिंदा ना फरमाई, किसी असी सोहने नबी दे सामने जाइए दीवार आए लो जे नबी शर्मिंदा होवे साड़ी वजह तो, साढ़े आका साड़ी वजह तो शर्मिंदा होण जिहड़े अद्धी रात उठ उठ के साढ़े वास्ते रोंदे रहे। अल्लाह तेरे सामने खलो के सारी सारी रात मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, अल्लाह ने हजरत जबरील नू भेजिया, जबरील जाओ जाके मेरे मुहम्मद को पुछ के आओ की चाहते हो। अल्लाह नबी फरमाते ने जबरील घलण वाला चंगी तरह जानता है, हजरत जबरील वापस आके अर्ज करते हैं सोने खुश हो जाओ। अल्लाह सोने ने फरमाया इन्ना सनुजी का फी उम्मती का, अल्लाह सानू सही उम्मत मुहम्मदिया बनन की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सानू माफ़ फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबी आमीन या रब्बल आलमीन।